अबे 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 साले अंधा है क्या? साले तू अंधा है क्या? अबे अर्जुन तू? अरे चीनू तू? अरे भाई कितना बदल गया है तू, स्कूल में कितना पतला हुआ करता था। हाँ भाई तू भी बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। यार वक्त कैसे निकल गया, कल की बात है, स्कूल में मस्ती किया करते थे, काम काज की टेंशन नहीं होती थी। हाँ यार वो भी क्या टाइम था, स्कूल से आते ही सारा दिन गलियों में घूमना। हाँ भाई अब तो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, बस यही जिंदगी है। अच्छा एक काम करते हैं, ये पीछे वाले रेस्टोरेंट चल के बैठते हैं, वहाँ बात करते हैं। तू लेट तो नहीं हो रहा ना घर के लिए? अरे नहीं नहीं भाई, घर जाके यूट्यूब ही तो देखना है। आजा चल। आ जाए, यहाँ की खट्टी लस्सी बहुत स्वाद होती है। और बता भाई आजकल क्या कर रहा है? बस वही यार घिसी पिटी जिंदगी, सारा दिन मतलब ऑफिस में जॉब। तू बता तेरा क्या चल रहा है? मेरी भी वही बोरिंग लाइफ, सारा दिन स्टाइलबर में जॉब। यार जॉब तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ जॉब से इतनी बढ़िया गाड़ी, ये सूट, इतने पैसे कैसे? देख भाई एक बहुत मस्त तरीका बताता हूँ पैसे कमाने का, वो भी घर बैठे खेल के। अरे हाँ बताना यार। देखो ये है पेटीएम फर्स्ट गेम्स एप्लीकेशन, जो कि पेटीएम का खुद का एप्लीकेशन है। अब इसमें करना क्या है वो समझाता हूँ। जब तुम इसे डाउनलोड कर लोगे तो इंस्टॉलेशन के टाइम तुम्हें मेरा कोड यूज करना है बैकस्टेप, तो तुम्हें मिल जाएगा इंस्टेंट 50 रुपीज बोनस कैश, जिसे तुम यूज करके बहुत सारे सिंपल सिंपल गेम्स खेल सकते हो एंड बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, और जीते हुए पैसे सीधा पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो वो भी इंस्टेंटली। यहाँ पर तुम्हें रमी के टूर्नामेंट्स में मिल जाएंगे जहाँ पर तुम कैश कमा सकते हो, और अगर तुम ऐड कैश करके खेलते हो तो तुम्हें मिल सकते हैं लाखों रुपए के प्राइजेस। तुम्हें लूडो, पूल और बहुत सारे गेम्स यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड कमाल की बात यह है तुम जैसे ही पैसे विड्रॉ करोगे उसी वक्त तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। फुल्ली ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, पेटीएम की खुद की एप्लीकेशन है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से डाउनलोड करो, पैसा कमाओ घर बैठे और मजे करो। अरे वाह भाई इसे तो अभी डाउनलोड करता हूँ। यार पैसा तो है लेकिन जिंदगी में कुछ मजा नहीं आ रहा है। हाँ यार सही में जिंदगी का स्वाद खत्म हो गया है। हाँ यार अच्छा ये पता क्या लेगा? वही खट्टी लस्सी। वेटर। जी सर आया। और भाभी जी कैसी है? भाभी जी अबे पागल हो रहा है क्या, अभी कहाँ की शादी मैंने? जी सर क्या लगाऊं? वेटर दो लस्सी लगा दे, वो भी खट्टी वाली, और इसकी लस्सी में मलाई डाल दियो। जी सर अभी लाया मलाई मार के। और बता तेरी फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं बस मैं और मम्मी। अच्छा सुन एक काम करते हैं। कैसा काम? देख भाई बहुत हो गया काम, अब ऐसा करते हैं 2-4 दिन की छुट्टी लेके चलते एरेंगल से बाहर कहीं घूमने। हाँ यार मैं भी पक गया ऑफिस जा जाके। हाँ थोड़ा ऐश करेंगे, पुराने दिनों जैसे मजे करेंगे। हाँ भाई मैं अभी घर जाते ही बॉस को कॉल करके 4 दिन की ऑफ ले लेता हूँ। ले भाई लस्सी उठा नहीं तो गर्म हो जाएगी। अजीब सी बदबू है इसमें। अरे भाई वही तो असली मलाई है। अच्छा तो फिर पता कब निकलना है और जाना कहाँ है घूमने? देख भाई कब निकलना है वो तो पता नहीं, सुना है लिविक में एक जगह है, वहाँ बहुत कुछ है घूमने को। अच्छा तो ऐसा करते हैं लिविक चलते हैं और कल सुबह ही निकलते हैं 5 बजे। ओके डन, मैं सुबह 5 बजे तुझे यशनायक की टैक्सी स्टैंड पे मिलूंगा। ठीक है भाई तो डन है, मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। कितना हुआ छोटू? सर 80 UC। ओके ये ले। सर ये बियर ट्राई करोगे? न्यू आई है, ऊपर से नीचे तक आग लगा देगी। नहीं नहीं फिर कभी। चल भाई अभी निकलता हूँ मैं। हाँ चल मैं भी जाके तैयारी करता हूँ। तो फिर सुबह लेट मत करियो, यही मिलियो टैक्सी स्टैंड पे। ओके भाई चल बाय। अरे अर्जुन बेटा आज इतनी देर कैसे हो गई आने में? अरे कुछ नहीं मम्मी, आज ऑफिस से आते हुए स्कूल का एक दोस्त मिल गया था, बस उसी के साथ बात करते हुए टाइम लग गया। साले तुझे शर्म नहीं आती, घर में माँ बाप बैठे हैं कि तू घर आए और खाना खाए और तू जहाँ दोस्तों के साथ मजे कर रहा है। अरे रुकिए ना आप भी, बच्चा घर आया है उसे सांस तो लेने दीजिए। तुम चुप रहो, इसको शर्म नहीं आती कि माँ बूढ़ी घर पे लगी रहती है और ये शादी करके बहू ले आए? अरे पापा आप हर टाइम मेरी शादी करवाने पे क्यों तुले रहते हो? देख बेटा ये उम्र है तेरी शादी की और हम बूढ़े हो गए हैं, अब और किस चीज का इंतजार है? पापा देखो फिलहाल मुझे कल सुबह 5 बजे निकलना है दोस्त के साथ घूमने। तुम बस घूमता ही रहियो है ना हमें बूढ़ा बूढ़ी को घर में अकेला छोड़ के। अरे तू शादी कर ले, हमारा भी मन लगा रहेगा बहू के साथ घर में। हाँ बेटा तेरे पापा बोल तो एकदम सही रहे हैं,
अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अरे मम्मी पहले मैं घूम आऊँ 2-3 दिन, फिर आके देखते हैं। चलो मम्मी अब बातें करके टाइम मत खराब करो, आप फटाफट खाना लगाओ, मैं कपड़े चेंज करके आया। अरे खाना ले आओ मम्मी फटाफट। देख मैंने 2-3 लड़कियां नजर में रखी हुई हैं, तू बोले तो बात चलाऊं। हाँ पापा चला लेना, अभी पहले मैं 2-3 दिन घुमाऊं उसके बाद। अरे अब क्या लड़के की शादी अभी करवा के मानोगे, अब बस भी करो। बस तूने ही दिमाग खराब किया हुआ है इसका। अच्छा अब आप शांति से खाना खाइए। देख बेटा अभी तो मैंने तेरे पापा को मना लिया है, पर वापिस आते ही जैसे तेरे पापा बोल रहे हैं वैसा कर लेना। अरे अच्छा मम्मी अब बस भी करो। अबे भूतनी के वापस आके कोई बहाना बनाया ना, घर से बाहर निकाल दूंगा। चलो मम्मी थोड़ा मैं सो लेता हूँ, अभी बॉस को भी फोन करके मनाना कल छुट्टी के लिए। तेरा बॉस छुट्टी देने में ज्यादा नखरे करे तो तेरे पापा की बात करवा दियो उससे। मम्मी छुट्टी चाहिए, नौकरी से नहीं निकालना मुझे। हेलो सर, सर मुझे शाम से थोड़ा कोल्ड खांसी वगैरह हो रही थी तो मैं सोच रहा 2-3 दिन की छुट्टी ले लूं। जी जी ठीक होते ही आ जाऊंगा। जी सर, ओके सर। हेलो चीनू, हाँ हाँ मुझे छुट्टी मिल गई है। अरे वाह तूने क्या बहाना मारा यार, हाँ ये वाला मस्त था यार। चल सुबह मिलते हैं 5 बजे फिर। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। अरे मम्मी उठ जाओ यार, सुबह के 4 बज रहे हैं। मम्मी हाँ हाँ बस उठ गई। आप बैग पैक कर दो, मैं नहा के कपड़े बदल के आया। हाँ तू आ नहा के, तब तक मैं खाने पीने का देखती हूँ। अरे मम्मी हो गया सब? हाँ ये बैग उठा ले, सब पैक कर दिया है। चलो मम्मी बाय, मैं निकलता हूँ, आप ध्यान रखना अपना। अरे सुन ये लड्डू लेता जा, रात में बनाए थे तेरे लिए। अरे इतने मोटे लड्डू, अरे ये खाते ही तो मेरे तोते लाल हो जाएंगे। चलो बाय। अरे सुन पापा से तो मिलता जा। अरे हाँ यार पापा को तो भूल ही गया। पापा जी जा रहा हूँ, बाय पापा। भूतनी के दिख नहीं रहा, मैं सो रहा हूँ, बोसड़ी के जा रहा है तो जा। चलो मम्मी ध्यान रखना अपना, चलता हूँ मैं, बाय। तू भी ध्यान रखियो और याद से लड्डू खा लियो। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े खड़े। अरे वो रास्ते में जाम मिल गया था यार, साले चूतिया बना रहा है सुबह 5 बजे जाम। अरे छोड़ ना भाई तू ये सब बातें, अब तू बस घूमने पे ध्यान दे। अच्छा ये कितना टाइम लग जाएगा लिविक पहुँचने में? शाम या रात तक ही पहुँचेंगे। भाई गोरोनस तो पहुँच गए, अब यहाँ कहाँ है होटल्स, कोई तो दिख नहीं रहा दूर दूर तक। भाई देख मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, मेरा दोस्त ने तो यही बताया था रोड पे जाते ही तुम्हें होटल दिख जाएगा। अरे रुक रुक ये बंदा खड़ा है ना, इससे पूछते हैं, इसे पता होगा। अरे सुन अर्जुन। हाँ बोल। सुन प्यार से बात करो इनसे, सुना है ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। अरे तू चिंता मत कर यार, मैं हूँ ना। भाई साहब ये होटल में रूम चाहिए था, हमें कहाँ मिलेगा? कितने दिन के लिए चाहिए? ये कोई 2-3 दिन के लिए मिल जाएगा। अरे वाह कहाँ मिलेगा? रुकिए आरती। जी भैया। आरती इन्हें वो सामने वाला रूम दिखा दो। चलिए वहाँ सामने ही जाना है। जी चलिए। देखिए ये रूम है। वाओ रूम तो मस्त है यार, काफी बड़ा है। हाँ आप दोनों के लिए तो काफी बड़ा है। अच्छा आरती जी कितना किराया है इसका? वो सब तो मुझे नहीं पता, आप भैया से पूछ लो उसका। देखो भाई रूम तो सही है, किराया कितना उसका वो बताओ। किराया 1000 रुपीस पर डे। चलो ठीक है डन। भैया मैं जाऊं अंदर? हाँ तू जा। चलो भैया हम काफी थक गए हैं, हम जा रहे हैं अंदर रेस्ट करने, आप हमारी गाड़ी पार्क करवा दो। ओके साहब। चल भी आ जा। अबे साले होटल बुला था लेने को, ये खोली नहीं। अरे भाई तू यहाँ आके भी होटल में रहेगा तो क्या मजे, यहाँ गाँव में रहने के मजे अलग है मेरे भाई।
साले तू आज भी वैसा ही है, सुंदर लड़की देखा नहीं कि लग गए उसके पीछे। भाई वैसे ये तो है, वो बिल्ली आंखों वाली सुंदर बहुत है यार। बस मुझे पता था। चल चल अब सोने दे, कल सुबह घूमने निकलना है, दो ही दिन है हमारे पास बस। हाँ चल, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। नींद तो बड़ी प्यारी आई है यार इस बिस्तर पे। अरे भाई चीनू उठ जा। चीनू। बस यार उठ गया, तो तैयार है कि नहीं? अबे बावला हो रहा है क्या, अभी तो उठा ही हूँ। अच्छा सुन, मैं टट्टी वट्टी करके आता हूँ, सामने से पूछ के आता हूँ कहाँ है यहाँ घूमने की जगह। अच्छा तू हो क्या, मैं तब तक तैयार होता हूँ। अरे ओ भैया, अरे कोई है? अरे क्या हुआ साहब, सुबह सुबह का गला फाड़ रहे हो? अरे भैया यहाँ टट्टी पेशाब नहाने धोने की कहाँ है जगह? साहब गांव घूमने आए हो, अमेरिका नहीं, टट्टी पेशाब जाना है तो पीछे जंगल में जाओ। क्या, और नाना कहाँ पर है? नहा भी वहीं लेना, कोई झाड़ी पकड़ के। भाई 1000 UC रोज का ले रहे हो, और साला बाथरूम भी नहीं है तुम्हारे यहाँ। अबे उठ जा साले, टट्टी करने पीछे जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में तू ही जा, मैं तो रोक लूंगा दो दिन। चल तू तैयार हो, मैं आया ना धोके। अरे यार अब ये बड़ी झाड़ियां कहां से ढूंढूं? हाँ ये सही लग रही है, यहीं कर लेता हूं। हो गया तैयार तू? और क्या, कब का? तू अब चल फटाफट। हाँ चल। रुक सामने से मैं पूछ के आता हूँ घूमने की जगह। अरे भैया ये लिविक में कौन कौन सी जगह अच्छी जहाँ घूमा जा सकता है? भाई घूमने की तो काफी जगह है यहाँ, तुम लूपिन चले जाओ, वाटरफॉल है, केव है, पुराना किला है, काफी जगह है। अच्छा गाइड मिल जाएगा हमें यहाँ पे कोई? अरे नहीं सर, छोटा सा शहर है ये, यहाँ तो खुद ही घूमना पड़ेगा। अच्छा वो कल वाली लड़की घुमा देगी क्या हमें? अरे नहीं सर, वो तो बहन है मेरी, वो कहाँ जाएगी। अरे भाई फ्री में थोड़ी बोल रहा हूँ, 500 UC दे दूंगा, उसने तो सारा देखा हुआ है ना लिविक। अच्छा 500 UC दोगे तो ठीक है, रुको। आरती जी। भैया देखो मैं भेज तो दूंगा पर बहुत संभाल के। अरे भैया चिंता मत करो, हम है ना। आरती इनके सब चली जाओ, इन्हें लिविक में अच्छी अच्छी जगह घुमा दो। जी भैया चलिए। आइए बैठिए। तो बताइए आरती जी पहले कहाँ चलना है? आप ऐसा कीजिए पहले लुपिन फ्लैट ले लीजिए। ओके तो चलो। बस बस यही लगा दो सीधे हाथ पे। आ जाइए आप लोग, बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत सुकून मिलता है इन फूलों के बीच। वो इतना प्यारा फूल। हाँ मैं यहाँ बचपन में रोज आती थी, बहुत प्यारी जगह है ये। हाँ सही कहा, बहुत खूबसूरत जगह है ये। वाओ सूरजमुखी, जल्दी आओ यहाँ। ये जगह पसंद आई आपको? जी बहुत खूबसूरत है ये, वैसे आप भी बहुत खूबसूरत हो इन फूलों के जैसे। अब चले यहाँ से, और भी जगह घूमनी है। जी जी चलिए चलिए। अब मैं आपको ऐसी जगह दिखाती हूँ ना जो 300 साल पुरानी है, राजा बंदूकबाज सिंह का महल। ओह तो आप बचपन से यहाँ रहती हो? जी। बस बस यहाँ सीधे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर ले लो। ये देखो ये था उनका महल, आओ अंदर से दिखाती हूँ। अरे ये तो पूरा खंडर बन चुका है। हाँ यहाँ 300 साल पहले बंदूकबाज का युद्ध हुआ था और तभी ये खंडर में बदल गई। ये रही उनकी कब्र। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो और कुछ दिखाओ। नहीं नहीं अब हमें घर चलना चाहिए, रात हो गई है बहुत। अच्छा तो कल आओगी ना हमारे साथ तुम घूमने? हाँ अगर भैया ने आने दिया तो आऊंगी। इसका मतलब तुम्हें हमारे साथ घूम के अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे तुम्हारे भैया को तो मैं मना लूंगा, तुम बस ये बताओ तुम्हारा मन है आने का? हाँ मेरा तो बहुत मन है। तो बस फिर मुझ पे छोड़ दो। लीजिए मैडम पहुंचा दिया आपको सही सलामत आपके घर। कल सुबह तैयार रहना, कल बहुत प्यारी जगह दिखाऊंगी मैं। ओके मैडम इंतजार रहेगा आपका। आरती इतनी देर लगा दी आने में, चल जल्दी घर। चलो कल आती हूँ। भाई देख घूमने फिरने तक तो ठीक है पर ये फ्लर्टिंग मत कर। यार तू अंदर चल, अब खड़े होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। और
भाई ये गांव है, यहाँ की लड़कियाँ हमारी रैंगल की तरह नहीं जो टाइम पास करते निकल लेंगी। भाई मैंने उसे कहाँ कुछ ऐसा बोला जो वो दिल से लगा लेगी। भाई ये गांव वाले बहुत सीधे होते हैं, जरा सा कोई प्यार से बात कर ले जान तक दे देते हैं उसके लिए। भाई देख मैं सारा दिन घूम घूम के ना बहुत थक गया हूँ, अब सोने दे, सुबह फिर घूमने जाना है। ठीक है भाई सो जा, पर ये ध्यान रखना तेरा टाइम पास कहीं उसकी जिंदगी ना खराब कर दे। अरे चीनू भाई दरवाजा खोल दे यार। भाई मेरे बस की बात नहीं है, तू ही खोल ले। हद है यार, अरे कौन है इतनी सुबह सुबह। अरे आप अभी तक सो रहे थे, घूमने नहीं जाना? अरे चले जाएंगे यार, थोड़ा रुक तो जाओ। अरे आज जहाँ जाना है ना वो बहुत दूर है, सुबह सुबह ही निकलना होगा। अरे आरती तुम आज फिर से चल रही हो हमारे साथ? हाँ मैंने भैया से पूछ लिया, उन्होंने हाँ भी कर दी। चलो तुम 10 मिनट दो, मैं इसे उठाता हूँ। हाँ इन्हें जल्दी उठाइए, आज सफर दूर का है। देख साले कैसे वो तेरे चक्कर में सुबह सुबह तैयार होके आ गई तेरे साथ घूमने के लिए। भाई थोड़ा सो लेने दे यार, क्या लेके बैठ गया सुबह सुबह। अब सोने का टाइम नहीं है, उठ और तैयार हो। भाई कब से दरवाजे पे है कोई, जाके दरवाजा खोलना। देख रहा है मैं जूते का फीता बांध रहा हूँ। अरे आप लोग तैयार हो गए? हाँ बस मैं तो रेडी हूँ, और वो भी तैयार है। हाँ चलो चलो। देखो आज मैं तुम्हें जिस जगह ले जा रही हूँ ना वो लिविक के सबसे खूबसूरत जगह है और मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा अब तुम यहीं खड़ी बातें करती रहोगी या चलोगी भी? अरे हाँ मैं भी कितनी पागल हूँ। वैसे आज हम कहाँ जाने वाले? यहाँ बताने से आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आप सीधे वाटरफॉल ले लो। अरे और कितना दूर है आरती? बस बस यही आगे वाले पुल पे रोक दो। वो ये क्या बला है? यही तो है लिविक की असली खूबसूरती। आरती बहुत खूबसूरत है ये जगह, ऐसी चीजों के लिए आए थे हम यहाँ पर। यहाँ अगर तुम सारा दिन भी खड़े रहोगे ना तो भी टाइम का पता नहीं चलेगा। बहुत खूबसूरत जगह है ये। एक बहुत खूबसूरत चीज देखना चाहोगे? हाँ हाँ दिखाओ ना। आओ मेरे साथ। अरे पर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे तुम आओ तो। अरे पानी के अंदर देखो कितनी प्यारी जगह है ये। वो अरे ये क्या? पता है मैं जब भी होता सोती हूँ ना तो यहाँ आ जाती हूँ। आरती अगर तुम ना होती तो हम ये सब जगह कभी ना देख पाते। पता है मैं बचपन से सोचती थी कि मुझे जब भी किसी से प्यार होगा ना तो मैं उसके साथ यहाँ रोज आऊंगी। और देखो तुम मुझे यहाँ ले आई। अरे सीरियस मत हो, मजाक कर रहा था। पसंद आई तुम्हें ये जगह? हाँ बहुत। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, मैंने बचपन से जो सपना देखा था ना वो सच लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं चलो अब आगे चलो। देखो जाने का मन तो नहीं है पर जाना तो पड़ेगा। आ जाओ। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? आप लोग बस आते जाओ। बोलिए मैडम कहाँ चलना है अब? सीधे ले लो। वैसे हमने ये सोचा नहीं था कि यहाँ अगर हमें तुम जैसी लड़की मिलेगी और हमें इतनी सुंदर सुंदर जगह दिखाएगी। हाँ मैंने तो सोचा था कोई बूढ़ा मिलेगा, एक दो जगह दिखाएगा और बोलेगा अब जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है मैं भी अपने जिंदगी की पहली बार खुल के जी रही हूँ, नहीं तो माँ बाप के जाने के बाद मैं उस घर में बंद होकर रह गई थी। बस बस यही ले लो, ऊपर सीधे हाथ पे। अरे अरे ये कौन सी जगह है और इतना ऊपर पहाड़ पे कहाँ ले जा रही हो तुम हमें? अरे तुम चलो तो। अरे ये कहाँ ले आई तुम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है, आओ मेरे साथ। ये देखो पवित्र कुआं, कहते हैं इसके पानी में सिक्का डालने से जो मांगो ना वो मिल जाता है। अच्छा जरा रुको। अरे क्या हुआ, ये बैग क्यों उतार दिया? अर्जुन नहीं। अरे डरो मत मैं ठीक हूँ। तुम पागल हो क्या, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे अरे रुको मैं ऊपर आया। तुम पागल हो, तुमने क्यों किया ऐसा? अरे अरे रो क्यों रही हो, मुझे क्या होना है, पता है मैं चैंपियन था स्विमिंग का पूरे कॉलेज में। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं हो मैं कितना डर गई थी, मुझे नहीं जाना अब कहीं और। अरे अरे बात तो सुनो यार, हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस घर जाना है। पर अभी तो हमें और भी जगह घूमने जाना था ना? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस घर छोड़ दो। अरे हुआ क्या है आरती बताओ तो। देख कहा था ना मैंने, जिस चीज का डर था वही हुआ। अरे पर मैंने क्या किया है? तुझे नहीं पता तूने क्या कर दिया? पता नहीं यार क्या हो गया उसे, दिमाग खराब हो गया उसका। अब ऐसा है अर्जुन, हमें कहीं नहीं जाना घूमने, बहुत घूम लिया, बहुत कुछ देख लिया,
पर यार मैंने कहाँ बोला उसको कुछ यार, मैंने नीचे देखा गहरा पानी था और मैं कूद गया। देख मैंने तुझे पहले भी समझाया था, ये लड़की हमारे शहर की लड़कियों जैसी नहीं है। अब ये बता आगे क्या करें? कुछ नहीं करना, अभी तो सो जा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अरे यार आंख बंद करते ही सुबह हो जाती है। अरे भाई चीनू उठ जा यार, 8 बज गए, 10 बजे निकलना भी है। हाँ यार तू टट्टी वट्टी करा, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। हो गया तैयार, चल अब जल्दी से बैग उठा, उसके आने से पहले ही निकल जाते हैं। पागल है तू? ओ शिट, जा जाके दरवाजा खोल। अरे आरती तुम यहाँ? हाँ जी मैं यहाँ। इतने हैरान क्यों? आज घूमने ही जाना क्या? पर हम लोग तो आज वापस निकल रहे थे इरेंगल के लिए। क्या, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आज वापस जाने वाले हो? अरे मैंने तो तुम्हारे भैया के सामने ही बोला था उस दिन कि हमें सिर्फ 2 दिन के लिए रेंट पे चाहिए रूम। अरे पर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, अभी तो मैंने तुम्हें लिविक के सबसे अच्छी जगह दिखाई भी नहीं। नहीं आरती अब तो हमें कुछ नहीं देखना, हम बस निकल ही रहे थे। प्लीज सिर्फ एक बार मेरे कहने पे चलो ना, तब तक चीनू बैग पैक कर लेगा ना, हम लोग आ जाएंगे वापस प्लीज। अरे आरती पर हमें 10 बजे निकलना है और अभी पैकिंग भी करनी है। हाँ तू जा, हुआ तब तक मैं पैकिंग करता हूँ। अच्छा ठीक है तू कर, मैं आया। ओके चलो कहाँ चलना है? आओ मेरे साथ। पर तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो? देखो अगर आज मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले गई ना, तो मैं सारी जिंदगी सोचते रहूंगी कि काश मैं तुम्हें वहाँ ले जाती। अच्छा चलो जल्दी। अरे इतना दूर बर्फ में कहाँ ले आई? बस बस यहीं सामने ले लो, बस यहाँ लगा दो उल्टे हाथ पे। बोलो अब। आओ मेरे साथ। अरे यार आरती मुझे लेट हो रहा है। बस बस 2 मिनट। अरे तुम यहाँ मंदिर में क्यों ले आई मुझे? देखो अर्जुन मुझे गलत मत समझना, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे जाने की बात सुनने से मुझे ऐसा लगा कि मुझसे मेरा सब छिन जाएगा। अर्जुन मैंने ये 2 दिन में अपनी पूरी जिंदगी जी ली। अर्जुन मैं कब तुम्हें इतनी पसंद करने लगी ना, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कभी अपने भैया से ऊंची आवाज में बात नहीं की, बट उस दिन तुम्हारे साथ आने के लिए मैं उससे लड़कर आई घूमने। पर तुम ये सब करके करना क्या चाहती हो? चलो ना अर्जुन शादी कर लेते हैं इस मंदिर में।